नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैरासिफ 650 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, पैरासिफ 650 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और पैरासिफ टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि पैरासिफ टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पैरासिफ एक ब्रांड नेम है। पैरासिफ टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन पैरासिटामोल 650 mg होता है। पैरासिफ टैबलेट का उपयोग दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। पैरासिफ टैबलेट का उपयोग बुखार होने पर, शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में पैरासिफ टैबलेट का उपयोग किया जाता है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए पैरासिफ टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी पैरासिफ टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में पैरासिफ टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। पैरासिफ टैबलेट दर्द और बुखार की एक सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में पैरासिफ टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा डोज में पैरासिफ टैबलेट को लेने की वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको पैरासिफ टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको पैरासिफ टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या पैरासिफ टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पैरासिफ टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। पैरासिफ टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर पैरासिफ 650 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द या बुखार होने पर ही पैरासिफ टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। पैरासिफ टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको पैरासिफ टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि पैरासिफ टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में पैरासिफ टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार 3 दिन से अधिक पैरासिफ टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना पैरासिफ टैबलेट को लगातार 3 दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। पैरासिफ टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैरासिफ टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से लिवर डैमेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पैरासिफ 650 mg टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। पैरासिफ टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी पैरासिफ टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम समय के लिए और कम डोज में पैरासिफ टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका पैरासिफ टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।